नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नाम बदलकर दूसरे की जगह शिक्षिका की नौकरी करने वाले एक अभियुक्ता को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। 5,21,504 मामलों में से 4,84,798 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया निस्तारण। दो शातिर लुटेरे को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल, मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा, एक कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्त को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की दो बैटरी को किया बरामद, भेजा जेल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय मनोज कुमार सिंह गौतम की मौजूदगी में 28 पारिवारिक जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर माल्यार्पण कर करवाया गया विदाई। पारिवारिक न्यायालय में 149 में से 88 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया निस्तारण। तीसवी अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 का पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने किया शुभारंभ। कहा, प्रतियोगिता के उपरांत रेलवे सुरक्षा बल की चयनित बास्केटबॉल की टीम अखिल भारतीय पुलिस खेल और अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता में नए आयाम करेगी स्थापित। और सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए जमीन व मकान के कब्जे तथा पारिवारिक विवाद के, टीम गठित कर किया जाएगा प्रकरण का निस्तारण। अब खबरें विस्तार से। कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने नाम बदलकर दूसरे की जगह शिक्षिका की नौकरी करने वाले अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंपियरगंज थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कैंपियरगंज के बहद ग्राम कैंपियरगंज मानी राम क्रॉसिंग के पास से एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अर्चना उर्फ उषा तिवारी पत्नी नागेंद्र तिवारी निवासी ग्राम मजवलिया पोस्ट पुरैनी मजवलिया टेंगर थाना खुकुंडू जनपद देवरिया कथित नाम वंदना पांडे पत्नी रमेश मिश्रा निवासी बी 38G5 रघुनाथपुर थाना महमूरगंज जनपद वाराणसी के रूप में हुई है। कैंपियरगंज थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्ता अपना नाम पता बदलकर वंदना पांडे पत्नी रमेश मिश्रा की जगह शिक्षिका की नौकरी कर रही थी, जिसके ऊपर थाने में मुकदमा दर्ज था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंपियरगंज थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार सिंह, कांस्टेबल रवि गुप्ता, अनुराग कुमार, महिला कांस्टेबल आराधना गौड़, रितु कश्यप, रोशनी मौर्य शामिल रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 4,84,798 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें से पारिवारिक वादों से संबंधित प्री लिटिगेशन स्तर पर व लिटिगेशन स्तर पर कुल 75 वादों तथा प्री लिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंकों, कंपनी व भारत दूरसंचार निगम संबंधित 2010 वादों का निस्तारण कर 14,30,86,38,700 नकद जमा कराया गया, जिसमें से मेरे द्वारा 23 वादों का निस्तारण किया गया तथा पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 9 व मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोरखपुर द्वारा 212 वादों का निस्तारण करते हुए 6,99,56,89,500 प्रतिकर अवार्ड पारित किया गया। इसके अलावा पारिवारिक न्यायालय द्वारा 75 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया गया। सभी न्यायालयों द्वारा
30,599 आपराधिक मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें से 1,93,06,33,200 रुपया वसूला गया। राजस्व अन्य विभागों द्वारा 4,51,591 प्री लिटिगेशन वादों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 5,21,504 मामलों में से 4,84,798 मामलों का निस्तारण किया गया तथा 24,49,46,903 रुपए जमा करवाए गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा, बड़े भाई कुछ होता है। अब आहुति चाहिए इस यज्ञ में, इसलिए मैं सबको जोड़ता हूँ। हमारे साथ भी जलाइए, अलग अलग भी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि आज भारतवर्ष में मुकदमों की संख्या, चाहे वो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पर जो मुकदमे दर्ज हैं उनकी, या जो नहीं दर्ज हैं उनकी, भयावह स्थिति है। 4.5 करोड़ मुकदमे 31 मई तक नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पर थे, जो विगत माह 4.7 करोड़ हो चुके हैं, यानी 20 लाख मुकदमे 3-4 महीनों में बढ़े। हम पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। 9 नवंबर 1995 को एक अधिनियम पारित हुआ जो आर्टिकल 39A के अनुक्रम में उसे गति देने के लिए था, दैट वाज लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। सेक्शन 22A का समावेश 2002 में परमानेंट लोक अदालत का समावेशन करके उसमें किया गया। हम हर वह प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा तात्पर्य सरकार हर वह प्रयत्न कर रही है कि हम इन मुकदमों की संख्या को कम करें। इशू नहीं था, परंतु ठीक है, परिस्थितियां जब जैसी दिख जाए वैसा आपको कर लेना चाहिए। तो अब आ ही गए हैं तो 2-4 बातें आपसे शेयर भी कर लें। हमारे पूर्व वक्ताओं में हमारे मित्र श्री साकेत बिहारी दीपक साहब, पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय, उनका एक यक्ष प्रश्न था, सुसंगत था, परंतु उसके बारे में पहले मुझसे कोई वार्ता नहीं हुई थी। मैंने डीएम साहब से कहा भी कि भाई अगर माननीय न्यायालय का आदेश है तो जरूर सीआरओ साहब शायद इस कार्य के लिए जिलाधिकारी महोदय की ओर से कहे गए भी हैं,
तो मैं अपेक्षा करूंगा कि सीआरओ साहब आगे से कोई इस तरह के वो ना हो, आपसी सामंजस्य से ही ये लोक अदालत का रथ अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। सबकी आहुति आवश्यक है यज्ञ में, और ज्ञान विज्ञान इन सब के पीछे सबसे बड़ी जरूरी चीज है जो हमारे बड़े भाई श्री पांडे साहब ने कहा, जिनके आशीर्वाद से ईश्वर की वंदना से हम लोग प्रारंभ करते हैं आज के लोक अदालत को। तो उम्मीद है, विश्वास है कि हर बार की भांति अच्छे परिणाम होंगे। बाकी इट्स टाइम फॉर एक्शन नाउ, वी नीड टू वर्क एंड वी विल टॉक सम टाइम लेटर ऑन। हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। जो काम देंगे जिससे लोन हो, और हमें जो गाड़ी नहीं मिली और लोन मिले, अरे कितना है आप जानते ही हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामले जो छोटे मोटे मामले हैं, शमनीय मामले हैं, जो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत है, चेक अनादरण के मामले और छोटे मोटे आपराधिक और दीवानी सभी मामले इसमें आते हैं, श्रम संबंधित, विद्युत संबंधित, अन्य पारिवारिक मामले, वाणिज्यिक न्यायालय संबंधित मामले, ऐसे सभी मामले इसमें जो छोटे छोटे हैं जिनमें पक्ष आपस में बैठ के सुलह समझौते से निस्तारण कर सकते हैं उसमें बैठते हैं, निस्तारण करते हैं, क्योंकि न्यायालय के सामान्य उसमें बहुत समय लग जाता है। इसलिए हम अपील करेंगे गोरखपुर वासियों से कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएँ और अपने छोटे छोटे मामलों को जहाँ भी वो पेंडिंग हो, जहाँ पर वो इसको दाखिल किए हों, वहाँ अप्रोच करके अपना प्रार्थना पत्र दे करके निस्तारित कराएं। शाहपुर थाने की पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को कौवाबाग के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान जावेद उर्फ छोटू अंसारी पुत्र मंसूर अंसारी निवासी जंगल माता दीन ज्ञानपुरम पादरी बाजार थाना शाहपुर, दूसरा रवि उर्फ योगेश नंदलाल पुत्र नरेंद्र लाल निवासी EWS 244 सूर बिहार कॉलोनी थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्तों ने 7 नवंबर को रात में सरस्वतीपुरम के पास से मोटरसाइकिल तथा दिनांक 10 नवंबर को नेहरू इंटर कॉलेज बिछिया के पास से एक व्यक्ति से मोबाइल छीना था, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, कौवाबाग चौकी प्रभारी राम प्रवेश, कांस्टेबल धर्मवीर सिंह, अनिल साहनी शामिल रहे। खोराबाड़ थाने की पुलिस ने ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने के आरोप में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान अलाउद्दीन उर्फ आयुष पुत्र कुर्बान अली उर्फ नागा निवासी नई बाजार बिस्वा थाना जगह जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी की दो ट्रैक्टर की बैटरी को बरामद किया गया है। खोराबाड़ थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्तों से जब पूछताछ में बैटरी के पेपर को मांगा गया तो वह कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए और बताया गया कि 8 नवंबर को उसके द्वारा यह दोनों बैटरी ग्राम रामपुर उर्फ रामगढ़ से ट्रैक्टर में से चुराई गई थी, जिसे बेचने के लिए जा रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक गजेंद्र बहादुर सिंह, कांस्टेबल अजय कुमार सिंह, राघवेंद्र कुमार दुबे शामिल रहे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नाम बदलकर दूसरे की जगह शिक्षिका की नौकरी करने वाली एक अभियुक्ता को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल।
दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। 5,21,504 मामलों में से 4,84,798 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया निस्तारण। दो शातिर लुटेरे को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल, मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा, एक कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्त को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की दो बैटरी को किया बरामद, भेजा जेल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय मनोज कुमार सिंह गौतम की मौजूदगी में 28 पारिवारिक जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर माल्यार्पण कर करवाया गया विदाई। पारिवारिक न्यायालय में 149 में से 88 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया निस्तारण। तीसवीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 का पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने किया शुभारंभ। कहा, प्रतियोगिता के उपरांत रेलवे सुरक्षा बल की चयनित बास्केटबॉल की टीम अखिल भारतीय पुलिस खेल और अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता में नए आयाम करेगी स्थापित। सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए जमीन व मकान के कब्जे तथा पारिवारिक विवाद के, टीम गठित कर किया जाएगा प्रकरण का निस्तारण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम की मौजूदगी में 28 पारिवारिक जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर माल्यार्पण कर विदाई करवाया गया, जिसके संबंध में पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम ने बताया कि दीवानी न्यायालय में 3 पारिवारिक न्यायालय चलता है, जिसमें निस्तारण के लिए 149 मामले गए थे, जिसमें से 28 जोड़ों की आपसी सुलह समझौते के आधार पर विदाई करवाया गया, जिसमें पति पत्नी स्वेच्छा से आकर समझौता किए, उनको सम्मान देते हुए एक दूसरे से माल्यार्पण करवाकर उपहार देकर विदाई करवाया गया। इस तरह अन्य मामलों को लेकर 88 मामलों का निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा, न्यायालय हमेशा प्रयास करता है कि परिवार ना टूटे, जिसके लिए काउंसलिंग भी करवाया जाता है। 2014 के एक मामले का समझा बुझाकर विदाई करवाया गया है, जो कि तब से चल रहा था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पारिवारिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम ने कहा, साधना कमलेश, इस पल को याद रखे, पकड़ो अमित। हमारे अब प्रयास किया जा रहा है, आप लोग जब इधर आओ, इधर आपके से
चंद्रकला सुनील आ जाओ, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पकड़िए सर, आपकी सौजन्य आप लोग भी आ जाइए, सबके साथ जो है सर, घर वाले भी सब जो लेने वाले आए सब आ जाए। इतनी विदा नहीं कर, पिछली बार से तो भाई जा रहा है 2008 को, 2008 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, कुल कितने मामलों निपटारा हुआ और कितने लोगों को जेल में? आज इस लोक अदालत में यहाँ पे 3 अदालतें चूँकि रन कर रही हैं, 1 PJFC की, 2 एडिशनल हैं, तो तीनों अदालतों में संयुक्त रूप से 149 मामले लगाए गए थे, जिनमें से 28 मामलों में विदाई हुई है, जिसमें पति पत्नी अपने आए स्वेच्छा से अपना समझौता किए और उनको सम्मान देते हुए माल्यार्पण करके उनको बाहर दे के उनको विदा किया गया और पूरे अन्य मामलों को जोड़ के पूरे अटकुले कुल 88 मामलों के निस्तारण किए गए। सर लगभग कितने दिनों से ये मामले लंबित थे जो कोर्ट में चल रहे हैं? एक तो ऐतिहासिक यहाँ पे एक सुलह हुई है, हमारे जज साहब बैठे हुए हैं श्री सुभाष चंद्र यादव जी, इनके न्यायालय में एक सन 2014 से मामला चल रहा था, उसमें पति जो था उसको सजा याफ्ता था, आजीवन कारावास था और मामलों में था, उसी में विदाई पैसे भरण पोषण के मामले में उनको जेल भी काट चुका था, मतलब कि इतना क्रिटिकल मामला था कि उसमें भी सुलह हो गई है और बड़ा ही सराहनीय प्रयास रहा, दोनों आए पति पत्नी विदा होके गए, उनके बड़े बच्चे भी थे, तो एक तो हम कहेंगे कि इस लोक अदालत में उसका निस्तारण होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। देखिए समाज में हम लोग जिस समाज में रहते हैं उसमें व्यक्ति एक भले इकाई हो लेकिन परिवार जो होता है एक समाज की पूरी नींव निर्धारण का जगह होता है, जहाँ पे बच्चे या घर के सदस्य एक संस्कार के साथ जीते हैं और उसी संस्कार के साथ एक देश और समाज का निर्माण करते हैं। अगर हम एक अच्छे परिवार का सृजन करें जहाँ पे पति पत्नी में विवाद न हो, लोगों में एक अच्छा भाईचारा हो, तो आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छा संस्कार प्राप्त होता है और एक अच्छे देश और समाज की नींव पड़ती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे मामलों में जहाँ पति पत्नी के बीच में या पारिवारिक मामलों में थोड़े बहुत भी अनबन हो, उन लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अपने सीनियर लोगों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, शुभ चिंतकों के साथ बैठकर सुलह समझौता करके प्रयास करके अपने स्तर पे ही अपने मामलों को शांत करा लेना चाहिए और न्यायालय में आने की प्रयास कम करना चाहिए और जब कोई सहारा न हो तब आने का प्रयास करना चाहिए। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में 12 से 15 नवंबर तक आयोजित 30वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ 12 नवंबर को पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण ने किया। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र, प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल तारिक अहमद, वरिष्ठ रेल अधिकारी, मंडलों के मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल तथा खेल प्रेमी उपस्थित थे। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर महाप्रबंधक श्री रमण ने कहा कि इस वर्ष 30वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व पूर्वोत्तर रेलवे को सौंपा गया है। यह प्रतियोगिता
वर्ष 1988 में सिकंदराबाद में आरंभ हुई थी। प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं। महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण ने आशा व्यक्त की कि प्रतियोगिता के उपरांत रेलवे सुरक्षा बल की चयनित बास्केटबॉल की टीम अखिल भारतीय पुलिस खेल और अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता में नए आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी खेल भावना से प्रतियोगिता में अपने खेल का प्रदर्शन करें। महाप्रबंधक एवं अन्य अधिकारी तथा खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल तारिक अहमद ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग ले रही सभी 10 टीमों को दो पूलों में बांटा गया है। दोनों पूलों से दो दो टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। प्रतियोगिता में कुल 24 मैच खेले जाएंगे। उद्घाटन मैच मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के बीच खेला गया, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए उत्तर मध्य रेलवे सुरक्षा बल को 42-23 से परास्त किया। आरंभ से ही पूर्वोत्तर रेलवे की टीम मैच में हावी रही और पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ी तेजी से अंक अर्जित करते रहे। प्रथम हाफ तक मेजबान टीम 28-9 से आगे थी तथा द्वितीय हाफ में भी पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ी छाए रहे। अंततः मैच मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे ने 42-23 से जीत लिया। पूर्वोत्तर रेलवे के सुनील ने 11 तथा दीपक ने 9 अंक बनाए। इसके अतिरिक्त कप्तान भीम सिंह, दीपक कश्यप, छोटे लाल, विजय एवं सतीश तिवारी शानदार खेल का प्रदर्शन किया। उत्तर मध्य रेलवे के फतेह सिंह ने अपनी टीम के लिए 13 अंक जुटाए। आज खेले गए अन्य मैचों में उत्तर रेलवे ने पश्चिम मध्य रेलवे को 52-39, दक्षिण रेलवे ने रेलवे सुरक्षा विशेष बल को 40-34, पश्चिम रेलवे ने मध्य रेलवे को 51-45, पश्चिम रेलवे ने रेलवे सुरक्षा विशेष बल को 39-35 अंकों से हराया। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक तरफा मुकाबले में उत्तर मध्य रेलवे को 28-2 तथा मध्य रेलवे ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को 45-6 से हराया। 13 नवम्बर को पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, उत्तर रेलवे एवं उत्तर मध्य रेलवे, रेलवे सुरक्षा विशेष बल एवं मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे एवं पश्चिम रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर रेलवे, रेलवे सुरक्षा विशेष बल एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे तथा पश्चिम मध्य रेलवे एवं उत्तर मध्य रेलवे के बीच मैच खेले जाएंगे। जिसके संबंध में CPRO पंकज सिंह ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 15 नवंबर तक किया गया, जिसमें RPF की 10 क्षेत्रीय टीमें भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार रेलवे इस तरह का कार्यक्रम कराता है। देर साय तक पश्चिम मध्य रेलवे एवं उत्तर पश्चिम रेलवे के बीच मैच खेला जा रहा था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह एवं महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण ने कहा, coming up first is the march past. We can see files of different grades or all set. Please assist our honorable chief guest. Sir. दूसरी टीम है ये नाथ माध्यम रेलवे की टीम। इस समय मानवीय महोदय को सलामी देते हुए मैं उनके सामने से और उनके पीछे एनसीआर
वेस्टर्न रेलवे इस समय मंच के सामने से गुजरते हैं। हम शपथ लेते हैं कि 30वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 में सभी नियमों का पालन करते हुए सच्ची खेल भावना से भाग लेंगे एवं रेलवे सुरक्षा बल के यश और सम्मान के लिए इसमें सम्मिलित होने के इच्छुक है टू प्लीज कम ऑन द डायस एंड शेयर द वेलकम एड्रेस सर। रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा आयोजित 30वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 में उपस्थित आदरणीय श्री चंद्रवीर रमन साहब महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे, रेलवे के सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष, उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगण, सभी टीमों के खिलाड़ी, कोच, मैनेजर, बास्केटबॉल संघ गोरखपुर के सदस्यगण, पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के पदाधिकारी, महिलाएं, बच्चे एवं पत्रकार बंधुओं का आज रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। रेलवे सहित कुल 10 टीमें अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। कुल 10 टीमों को दो पूलों में बांटा गया है। सभी टीमों के बीच दो सेमीफाइनल, एक हार्डलाइन, एक फाइनल को मिलाकर कुल 24 मैच होने हैं। यह प्रतियोगिता ऑल इंडिया रेलवे सुरक्षा बल के बीच हो रही है, इसलिए प्रतियोगिता में पारदर्शिता रखने हेतु बास्केटबॉल संघ गोरखपुर एवं पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के रेफरी तथा निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा इसमें अहम भूमिका निभाई जाएगी। यहाँ पर उपस्थित पूर्वोत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री तारिक अहमद जी, रेलवे के सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारीगण, रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे की आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, प्रतियोगिता में भाग लेने वाली क्षेत्रीय रेलों की टीमों के सदस्यगण, बास्केटबॉल संघ गोरखपुर के सदस्यगण, पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के पदाधिकारी, महिलाएं, बच्चे एवं मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट हुआ। रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा आयोजित 30वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आज दिनांक 12/11/2022 से आरंभ होकर दिनांक 15/11/2022 तक चलेगी। मैं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का पूर्वोत्तर रेलवे में स्वागत करता हूं। आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस अवसर पर मुझे आप लोगों के बीच उपस्थित होने का सुअवसर दिया। यह अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता वर्ष 1988 में सिकंदराबाद में आरंभ हुई थी। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे,
पूर्व सीमांत रेलवे एवं रेलवे सुरक्षा बल विशेष बल शामिल है। पिछले वर्ष 2021 में प्रथम स्थान पूर्वोत्तर रेलवे, द्वितीय स्थान दक्षिण रेलवे एवं तृतीय स्थान पश्चिम रेलवे का रहा था। मैं बाहर से आए हुई सभी टीमों से यह अपेक्षा करता हूं कि इस खेल के मैदान में मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से इस प्रतियोगिता बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता वर्ष 2022 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए एनसीआर की टीम पिछले वर्ष एनसीआर ने बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन किया था प्रतियोगिता में और अच्छी अच्छी टीमों को उन्होंने शिकस्त दिया था। अब ऑफिशियल खिलाड़ी हैं श्री एम के शर्मा जो जिला बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं, श्री भरत सिंह, इन्हीं के अथक प्रयास से इनके योगदान से ये प्रतियोगिता अपने समापन की तरफ अग्रसर होती है। हर वर्ष इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के क्वालिफाइड रेफरी हैं, इसमें सभी लोग अंग्रेज कर्मचारी हैं, कुछ सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कुछ अभी नौकरी में हैं, सभी लोग अपना बहुमूल्य समय देते हैं। सुरक्षा गोरखपुर क्षेत्र श्री रविशंकर सिंह, टीम के कोच श्री हरजीत सिंह जो यूथ इंडिया कैंप किए हुए बास्केटबॉल में बहुत बेहतरीन खिलाड़ी अपने जमाने कर रहे हैं, श्री दीपक जो टीम के कप्तान है, अन्य रेलवे की टीम पिछले वर्ष की विजेता काफी दिनों से विजेता होने का गौरव प्राप्त कर रही है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। बेस्ट स्कोरर का भी प्राइज जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में ही जाता है बेस्ट स्कोर करने का। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पीपा खींच करके बाल को छाल करके और कल आगे इसको खेलते हुए संबोधन भैया भैया पर मैच पुनः प्रारंभ हुआ। रेलवे 28 एनसीआर 9 Yeah.
ये अखिल भारतीय आरपीएफ बास्केटबॉल टूर्नामेंट है जो आज से इसका शुभारंभ महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा किया गया है और ये प्रतियोगिता 15 तारीख तक चलेगी। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे जवान हैं, जो हमारे लगातार हम लोग खेल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित। सर कहाँ कहाँ टीमें आई हैं? 10 क्षेत्रीय रेलों की अलग अलग टीमें आई हैं और जब ये प्रतियोगिता का समापन होगा उसके बाद एक ऑल इंडिया आरपीएफ की टीम बनाई जाएगी जो इनका ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होता है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। आज उद्घाटन हुआ है और ये चलेगा 15 तारीख तक, 15 को समापन होगा। ये रेलवे बोर्ड का इनिशिएटिव है जिस बेसिस पर हर एक साल जो है इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, तो आज उद्घाटन हुआ पहला दिन। सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि थाना समाधान दिवस के अवसर पर कोतवाली थाने में जमीन कब्जे तथा पारिवारिक विवाद आए, जिसमें 3 पारिवारिक विवाद प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा कि किसी समस्या का समाधान मौके पर नहीं किया गया, लेकिन थाना दिवस के पश्चात टीम गठित करके भेजी जाएगी। इस कार्रवाई के अनुसार प्रकरण का निस्तारण समय से कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि थाना समाधान दिवस पूरा कारगर साबित हो रहा है। प्रशासनिक तौर पर जो भी प्रकरण अधिकार क्षेत्र में रहता है तो दोनों पक्षों को समझा बुझा कर नियत प्रकरण को सुलझा देते हैं। इस अवसर पर थाना प्रभारी अजय कुमार मौर्य, अरविंद कुमार राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने कहा, तो सर ये भी विवाद इनकी दिख रही है, तो मेरे जांच से ये सामने यहाँ पे सार्वजनिक कुमार गाड़ी टेम्पो इस जगह पर सड़क के कब्जा ये कर लिए हैं, अब आधे पर कब्जा करने की इसके लिए और इसी चीज़ के लोगों का भी कसम चल रहा है। हाँ आदेश भी हो चुका है 2011 में, गिराने का आदेश हो चुका है और हमको इजाजत मिला है कि हम निगरानी सर जीडीएस करें कि वो जब बढ़े तो मैं बताऊं। आप पढ़िए सर, आपके सामने कागज है। आराम से थक गए सर, आराम से बोलिए ना, इतना जो खोज पड़ता है कार्ड हम गिरवाए नहीं, हम इसलिए हमारे भाई जान थी मसला है, हम ज्यादा जोर नहीं दिए। मुख्यमंत्री जी ग्राम का लागू करवाते सर, लागू हुआ नहीं अभी 2011 में। इनका बिल्डिंग ही कहाँ है जो अवैध है, इनका सर रजिस्ट्री का पकड़ सर ले लेंगे सर, इनका अभी अवैध है। आज थाना दिवस पे मुख्यतः मतलब है कि जमीन को कब्जे के लेकर और कुछ पारिवारिक विवाद आए हैं और उसके संबंध में हम लोगों की तरफ से टीम गठित कर दी गई है। थाना दिवस पश्चात मौके का मुआयना करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर ज़्यादातर किस तरह के मामले आज आपके सामने बैठे हुए हैं कि महिलाएं आए हुए हैं तो पारिवारिक विवाद ही पता है कि मुख्य रूप से 3 पारिवारिक विवाद ही आज हम लोग के सामने प्रस्तुत हुए हैं। निस्तारण तो चूंकि मतलब है कि एक ही पक्ष आया है तो मौके पर निस्तारण तो हम नहीं कर पाए हैं, पर थाना दिवस के पश्चात जो टीम गठित करके भेजी जाएगी उसके कार्रवाई के अनुसार प्रकरण का निस्तारण समय से कर दिया जाएगा। सर थाना दिवस कितना कारगर नहीं पूरा कारगर साबित हो रहा है चूंकि मतलब कि जो हम लोग के अधिकार क्षेत्र में रहता है प्रशासनिक तौर पर जो भी प्रकरण हम लोग सुलझा सकते हैं तो दोनों पक्षों को समझा बुझा कर और नियमता हम लोग प्रकरण को सुलझा देते हैं, तो पूरी तरीके से थाना दिवस जो है हमारा कारागार है। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। नाम बदलकर दूसरे की जगह शिक्षिका की नौकरी करने वाली एक अभियुक्ता को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल।
दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। 5,21,504 मामलों में से 4,84,798 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया निस्तारण। दो शातिर लुटेरे को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल, मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा, एक कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्त को खोराबाड़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की दो बैटरी को किया बरामद, भेजा जेल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय मनोज कुमार सिंह गौतम की मौजूदगी में 28 पारिवारिक जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर माल्यार्पण कर करवाया गया विदाई। पारिवारिक न्यायालय में 149 में से 88 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया निस्तारण। तीसवीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 का पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने किया शुभारंभ। कहा, प्रतियोगिता के उपरांत रेलवे सुरक्षा बल की चयनित बास्केटबॉल की टीम अखिल भारतीय पुलिस खेल और अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता में नए आयाम करेगी स्थापित। और सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए जमीन व मकान के कब्जे तथा पारिवारिक विवाद के, टीम गठित कर किया जाएगा प्रकरण का निस्तारण। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।